प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोरास घटक के तहत किराएदारी में रहने वालों को मकान उपलब्ध कराने के मकसद से आवेदन जमा कराए गए थे। उनको बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैकुंठ धाम में लगे शिविर में लॉटरी निकालकर आवासों का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई में भी क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों से आवेदन पत्र लिए गए थे, जिसके तहत किराए में रहने वाले लोगों को उनके खुद के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बैकुंठ धाम में लगाए गए शिविर में मोर मकान मोरास घटक के पात्र हितग्राहियों के लिए लॉटरी निकाली गई और इस लॉटरी के माध्यम से किराए में रहने वाले लोगों को उनका खुद का मकान आवंटित किया गया। लॉटरी की प्रक्रिया बेहद पारदर्शिता भरी थी। इस लॉटरी प्रक्रिया में कुछ लोगों को मकान उपलब्ध नहीं हो पाए, जिन्हें आने वाले 3 तारीख या आगे और बनने वाले मकानों में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। अपने खुद के मकान पाकर हितग्राहियों के चेहरे पर काफी उमंग नजर आ रही थी, क्योंकि अब उन्हें प्रतिमाह किराया देने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और जो वंचित रह गए हैं उन्हें आगे मकान देकर इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकाले गए लॉटरी की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने मीडिया को दी है। मिल गया, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पैसा जमा किए, मकान मिला? मिल गया। हाँ। तो अब मकान में रहोगे? जी रहेंगे। अगर हम लोग चाय पीने या चाय पिलाओगे तो क्या पिलाएंगे? क्यों नहीं पिलाएंगे सर? लेकिन संकल्प यात्रा 22 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है, जो लगातार जोन 1 से प्रारंभ होकर आज जोन 3 में पहला शिविर आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लॉटरी है वो भी निकाले जा रहे हैं। 363 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से 174 लोगों का मकान जो निर्मित है उसमें लॉटरी के माध्यम से चयन करके उनको आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। 176 लोगों ने जो राशि जमा की है वो उनको सभी को लॉटरी के माध्यम से आज आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। उनके लिए फिर से लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसको फिर से जो लॉटरी का सिस्टम रहेगा 27 तारीख को आगामी 3 जनवरी को उसमें शामिल किया जाएगा। आने वाले जो जैसे निर्माण होते जा रहा है विभिन्न घटकों में, उसमें लॉटरी के माध्यम से उनको आवंटन किया जा रहा है। इस लॉटरी प्रक्रिया में कई लोगों को मकान प्राप्त नहीं हो पाए, उनको भविष्य में और निर्माणाधीन मकानों के निर्मित हो जाने के बाद मकानों का आवंटित कर दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।